तो गाइस आज है छठ पूजा का दूसरा पूजा खरना पूजा और आज का आपको हम पूरा अपडेट दिखाएंगे। आप ब्लॉग में बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा। आपको हम पूरा दिखाते हैं कि कैसे खरना पूजा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कैसे कैसे क्या क्या होता है दिखाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं मेरी मौसी जो है वो शायद खीर बना रही है, तो वो मौसी को आपको वीडियो दिखाते हैं। पहले गुड़ का खीर है ना मौसी? ये गुड़ का खीर है, बाकी आप देख सकते हैं ये आज यही खाने को मिलता है। ये बहुत टेस्टी होता है, ये चढ़ता भी है भगवान को। और यहाँ मेरे भाई लोग वो सिंघारा बोलते हैं इसको, सिंघारा छील रहे हैं। इनको तो हम दिखाएं भी हुए हैं ब्लॉग में, वकील साहब तो सिंघारा छील रहे हैं। और अभी इतना और छीलना बाकी है इनको, इतना और छीलना बाकी है इनको। और अभी तो खीर आपको हम दिखा रहे हैं, फिर आगे जो होगा वो आपको मैं दिखाऊंगा इसी ब्लॉग में, इसलिए ब्लॉग में बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ये पूजा रूम है, देख लीजिए। और मस यहीं पे पूजा होगा ना? हाँ, यहीं पे पूजा होगा, यहीं पे पूजा होगा गाइस। तो गुड़ का खीर तो हो गया, अब मौसी ने चढ़ाया दूध का खीर, देख सकते हैं आप मौसी के द्वारा दूध का खीर बनाया जा रहा है। और ये मेन प्रसाद होता है, दूध का खीर बनता है, फिर गुड़ का खीर, और फिर मैं आपको और दिखाता हूँ आगे क्या बनता है प्रसाद में। मेनली यही प्रसाद होता है, खीर, रोटी और केला, यही सब होता है। तो गाइस मौसी के द्वारा बनाया जा रहा है और मैं दिखाता हूँ। और अब बनाया जा रहा है रोटी, देख सकते हैं आप मौसी रोट के द्वारा रोटी बनाया जा रहा है खरना पूजा का। तो यही रोटी, खीर और वो केला, खीर दोनों तरह का, दूध का भी मैंने दिखा दिया, गुड़ का भी मैंने दिखा दिया, और ये रोटी। तो यही मेन प्रसाद होता है खरना पूजा का। तो गाइस आप लोगों को दिखाते हैं इस बार हम लोग का छठ कहाँ होने वाला है। दरभंगा में कल वाले ब्लॉग में तो मैंने दिखाया था, लेकिन देखिए गाइस इस बार हम लोग का छठ यहीं होने वाला है। और यहाँ पर देखिए पानी भरा रहा है, अभी तो खैर इसको दोबारा से पानी भरा जाएगा, और ये छत पर ही बना हुआ है, तो यहीं पर हम लोग का छठ होगा। और यहाँ पर पूरा डेकोरेट करेंगे, वो आप लोग को हम कल दिखाएंगे वीडियो में, पूरा छत को सजाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बाकी सब आप देख सकते हैं, तो आ गया छठ के लिए। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में। और यहाँ पे हम लोग पूरा पेड़ वेड़ लगा के सजाएंगे, केला का पेड़ वगैरह सब, वो सब भी हम वीडियो में दिखाएंगे ही आप लोग को। बाकी गाइस ब्लॉग में बने रहिए, आगे जो होता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। अब छठ का असली वाइब देखिए, अब मौसी लोग के द्वारा गाना गाया जा रहा है छठ का, वो आप लोग को दिखाते हैं। मौसी लोग मेरी सारी मौसी मिल के गाना गा रही है छठ पूजा का, सुनिए आप लोग। अब गाइस प्रसाद लगाया जा रहा है, आप देख सकते हैं पूजा हो गया है, और अब मौसी के द्वारा प्रसाद लगाया जा रहा है। यही मेन प्रसाद होता है, इसको नियोज कहते हैं। हाँ, खरना पूजा का जो प्रसाद होता है इसको नियोज कहते हैं। अब वही जो रोटी खीर मैंने दिखाया वही मौसी लगा। तो गाइस फाइनली पूजा कम्प्लीट हुआ, और मैं जो परवैतिन हैं उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ, आप देख सकते हैं। फिर मौसी के द्वारा मुझे चंदन लगाया जा रहा है, टीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीका लगाना। और फिर मेरी वहाँ पर सेकेंड वाली मौसी भी है, उनको भी मैंने प्रणाम किया, और फिर फाइनली पूजा ख़त्म हो। तो गाइस खरना का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और कल हम लोग मिलते हैं छठ के शाम बाजार के ब्लॉग में। और आई होप ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं कल के छठ वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।